वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग बीपीएससी का टेस्ट नंबर 5 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये दृष्टि आईएएस कोचिंग का टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 तक देख रखे हैं, आज हम लोग 5वां करेंगे। और ये स्पेशली साइंस से रिलेटेड है पूरा पेपर, तो आप लोग उसी माइंड सेट से इसको हल कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले के पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल पे आकर उनको भी लगा लीजिए, क्योंकि अब बीपीएससी की डेट भी आ चुकी है प्रीलिम्स की, 30 अप्रैल को आपका पेपर है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हिंदी में हम आप लोगों को बताएंगे और इंग्लिश में भी इसके सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश वर्जन चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर के। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चैनल पर आकर के पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मानकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है जो मात्रकों का, उसमें 7 टाइप के मात्रक बताए गए हैं, ठीक है। जैसे कि लंबाई का मीटर हो जाएगा मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, और तापमान का केल्विन, और प्रकाशीय तीव्रता का कैंडेला, करंट का एम्पियर होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल, तो ये 7 होते हैं। बर्तनिष्ट है, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति और उसकी मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति, एक सेकेंड, नेक्स्ट है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होगी? तो निर्वात में होती है अधिकतम। ये तो काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का? यहाँ पर पूछा गया कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होती है? चांदी, ठीक है, उसके पश्चात तांबा आएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण को उत्सर्जित नहीं करता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, वो सारे को करता है, यानी कि अल्फा को भी, बीटा को भी, गामा को भी, और एक्स किरणों को भी उत्सर्जित करता है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये किस पे करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज़ में यात्रा के दौरान पिन से स्याही बाहर आ जाने का मुख्य कारण क्या है? कि ज़मीन से हवाई जहाज़ की ऊंचाई, यानी कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो जाएगा, ठीक है, दबाव में कमी, तो ये भी एक कारण हो जाएगा। पृष्ठतनाव, द्रव का पृष्ठतनाव नहीं होगा इसमें, और वायुदाब में वृद्धि, ये भी नहीं होगा, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है न्यूट्रॉन के विषय में कौन सा सही नहीं, इनमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यह एक परमाणु कण है, ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक है, ये भी सही है, और इसकी खोज चैडविक ने की थी, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये एक परमाणु कण नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, परमाणु का भाग होता है ना कि कण, परमाणु कण नहीं है ये, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि बी सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए बर्फ़ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, जल में चीनी का घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और भोजन का पकना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, भोजन का पकना और मोम का पिघलना ये तो भौतिक का है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है, भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही आरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उसके पश्चात मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सोडियम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पटाखों में पीला रंग जो है सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस, यानी कि N2O हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित में से किसके संयोजन से बनती है? तो पेट्रोलियम गैस जो होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, यूरिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है यूरिया में? तो यूरिया का फार्मूला देख लीजिए आप लोग, क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CO NH2 का होल ट्वाई। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रासायनिक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे इसमें से? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है, आत्महत्या के थैली पद का उपयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? तो ये लाइसोसोम के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम को। और पावर हाउस किसको बोलते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों में कितने युग्म पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, इनको 46 बोल लीजिए, या फिर अगर जोड़े में तो 23 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 23। बढ़ते नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक है, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट, आप लोग देखिए पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? जब एक पौधे से कई पौधे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी कि कलिका संवर्धन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा, सॉरी ऊतक संवर्धन हो जाएगा, टिश्यू संवर्धन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका डी आ जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक में आता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो जो भी अनुवांशिक पदार्थ से एक मतलब माता पिता से संतानों में जाते हैं, तो उसमें जो है जीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने में समय बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ये भी सही है। बेरी बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ये गलत है। देखिए विटामिन B12 नहीं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक है, ओनली विटामिन बी। रिकट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, तो सी नंबर सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अगर आप पॉलिश किए हुए चावल अगर भोजन के साथ आप ग्रहण करते हैं तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेरी बेरी, क्योंकि इसमें विटामिन बी जो है उसका निच्छालन हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्षिक आर्द्रता की माप करता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को कौन नापता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, या फिर देखिए इसका राइट आंसर गैल्वेनोमीटर, या फिर साइक्रोमीटर, बैरोमीटर, या फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्रोमीटर। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बैरोमीटर तो दाब को मापता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्रेशर का उदाहरण है। देखिए घर्षण प्रेशर का भी उदाहरण है। तो ये यह दो सरकती या गति करती हुई सतहों के बीच में कार्य करता है, ये भी सही है। यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये भी सही है। यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये गलत है। ठीक है, चूँकि इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा गया, तो इसमें तीन सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऊष्मा उत्पन्न करता है घर्षण। अगर आप कभी अपने हाथों को, दोनों हाथों को अगर आप घिसेंगे आपस में, तो आप लोगों को थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, तो वो घर्षण के कारण ही होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
यहाँ पर उनके मात्रक दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा का एम्पियर होता है, बिल्कुल सही। दाब का पास्कल होता है, ये भी सही। तापमान का रैंकिंग होता है, ये भी सही। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ना कि किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि यही सही से सम्मिलित नहीं है। रैंकिन ये देखिए आप लोगों को शायद बहुत ही कम सुनने को मिलता होगा, लेकिन ये भी तापमान का मात्रक है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये दृष्टि ने अपने डिस्क्रिप्शन में इसको दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं? कौन से अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं? सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन या फिर सोना? तो देखिए इसमें टंगस्टन भी नहीं करता है अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शन, और सोना भी नहीं करता है। तो इसमें से राइट आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोल हो जाते हैं, ठीक है। वर्षा की बूंदें ऊपर से पृथ्वी तक आते आते, बादल से पृथ्वी तक आते आते गोल पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में आइंस्टीन के भौतिक का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय पर दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के कारण दिया गया था आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कोयले का रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए, अमोनिया के निर्माण में, रॉकेट ईंधन के रूप में, या धुआं के शोधन में? तो सभी में यूज होता है हाइड्रोजन का। तो उपयुक्त राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है, अधिकतम। इसके बाद जब आप और कम तापमान करेंगे तो उसका ताप वो जो होता है तापमान जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? नोबेल गैस कौन सी नहीं है? तो देखिए आर्सेनिक नहीं है, ठीक है। ऑर्गन, हीलियम, नियान, जिनान, क्रिप्टॉन ये सारी होती हैं, पर आर्सेनिक नहीं होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो ये जिप्सम से बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना होता है तो जिप्सम से बना होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। देखिए किंग ऑफ एसिड्स, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। यह आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, नियत तापी स्तनधारियों में तापमान का विनियमन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वो संवहन के कारण होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कुनेन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो कुनेन जो है सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, और ये मलेरिया के उपचार में यूज होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? तो मानव रक्त जो है डायलिसिस प्रक्रिया से शुद्ध होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन के स्त्राव में, स्त्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो पेंक्रियास से निकलता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हंस की दीपिकाओं से निकलता है। नेक्स्ट है, BCG टीके द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? ठीक है, तो BCG के टीके से TB का इलाज किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्षय रोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम किसके परीक्षण से संबंधित है? तो ये मस्तिष्क के परीक्षण से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी माप जो है किसको ग्राफ द्वारा की जाती है? तो पौधे की वृद्धि की माप की जाती है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम है? तो पृष्ठ तनाव में की कमी हो जाती है, जिससे जो पानी होता है उसके फैलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यह आप याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव में कमी हो जाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
निश्चित निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्यविद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वैद्युत स्थैतिक परीक्षण। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट, किस तापमान के नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? तो परम ताप के नीचे खो देते हैं। राइट आंसर इसका सॉरी संक्रमण ताप के नीचे खो देते हैं, माफ़ कीजिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है खगोलीय दूरबीन के द्वारा? तो वो जो है उल्टा आभासी और आवर्धित होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? एक किलोवाट घंटा ये 3.6 × 10^6 जूल होगा। यहाँ पर 10^6 ना कि 10^6, ये आप लोग याद रखिएगा। इंग्लिश में इसमें देख लेते हैं कैसे लिखा है इसको। देखिए यहाँ पर 10^6 लिखा है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक होता है? तो उसमें पारा होना आवश्यक है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मरकरी। बढ़ते नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल नेत्र धावक का घटक है? तो नेत्र धावक का घटक कौन सा अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी आप लोग याद रखिएगा टमाटर में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस या किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर में कुछ हार्मोन्स की नकल करता है और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिस्फेनॉल ए ऐसा पदार्थ है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? तो हीलियम के नाभिक में कौन कौन से घटक होते हैं? तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं हीलियम के नाभिक में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? देख लीजिए यहाँ पर जल, पारा, बेंजीन और ईथर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? ठीक है, तो किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को फिटकरी साफ करती है? स्कंदन के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी कास्ट स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है? तो कास्ट स्प्रिट के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैथिल एल्कोहल को जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, जैल विद्युत कण संचलन तकनीकी, ठीक है, का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? धातुओं के पृथक्करण या डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विघलन के लिए, या उप धातुओं के पृथक्करण के लिए, या कचरे से मूल्यवान वस्तुओं के पृथक्करण के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डीएनए खंड के पृथक्करण और उसके विघलन के लिए, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखिए सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समान वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर के करीब होती है। राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, दिए गए हार्मोन्स में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स नहीं है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एथिलीन है। तो सभी पादप हार्मोन्स हैं, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप ऊतक कौन सा है? तो फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो जो पत्तियों द्वारा उत्पादित भोजन को पौधों के सभी पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। और जाइलम, वो जाइलम का क्या क्या कार्य होता है? जो पौधे की जड़ से जल को खींच के पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। तो जल को कौन पहुंचाता है? जाइलम। और भोजन को कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम। दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फलों का स्वाद मीठा होता है तो किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोस शर्करा पाई जाती है फलों में, ठीक है। राइट आंसर उसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला एनोशमिया और एल्गुशिया किससे संबंधित है?
तो क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। एनोसमिया में क्या होता है, गंध नहीं आती है और एग्यूसिया में स्वाद की हानि हो जाती है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है, तो इंसुलिन में जिंक होती है, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है, तो किसकी माप जो है आवेग के समान होती है, तो संवेग की होती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति, तो जैसे जैसे आप अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की आवृत्ति भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, राइट आंसर इसका बी होगा, आवृत्ति भी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों किन स्थिति या स्थितियों के मिश्रण में आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, मिश्रित आवृत्तियाँ किसमें उत्पन्न होती हैं, जब एक ही समय में ध्वनि की दो समान आवृत्तियों को सुना जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, और आप लोग ऑप्शन रीड कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, देख लीजिए, इसका आंसर आप लोगों को सी मिलेगा, ठीक है, जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, जब एक ही समय में ध्वनि की दो समान आवृत्तियों को सुना जाता है, और जब एक ही समय में लगभग समान, यहाँ पे आवृत्तियाँ समान है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम समान बोला गया है, तो आवृत्तियाँ जब समान होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मिश्रित आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F, वो जो होता है जो दूरी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी दूरी को अगर दोगुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है कितना, चार गुना से कम हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको दो गुना कर देते हैं तो दो दूनी चार हो जाएगा इसका, तो ये चार गुना से कम हो जाएगा, यानी कि चार गुना से कम हो जाएगा, चार गुना कम हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, न्यूट्रॉन के विषय में देख लीजिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है, तो ये तो सही है, न्यूट्रॉन में सुनावेश होता है, ये भी सही है, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, ये भी सही है, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये गलत है, देखिए न्यूट्रॉन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन किस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है, तो देखिए रात्रि के समय आकाश में तारों को टिमटिमाना, माचिस की तिली का जलना, त्वरित वृष्टि, तो त्वरित वृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी बारिश होती है, जब बिजली कड़कती है तो बिजली की जो लाइट होती है, रोशनी होती है, उसकी जो चमक होती है वो हमारी आंखों तक पहले आती है, और उसकी जो गड़गड़ाहट होती है, ध्वनि होती है, वो बाद में पहुँचती है, ठीक है, तो उससे ये प्रूव होता है कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से तेज होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस या फिर किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है, ठीक है, तो किसकी होती है, गामा किरणों की होती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन सेल्सियस में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाती है, तो +273.15 जोड़ी जाती है, ठीक है, कोई भी अगर डिग्री सेल्सियस में, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको आपको केल्विन में लिखना है तो इसमें आप प्लस का 273.15 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये केल्विन में हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की मात्रा आवश्यकता होगी, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है, कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है,
रक्त से औषधि को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी का यूज किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको संभारिक कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जल का वाष्पीकरण यह भौतिक अभिक्रिया है। वाहनों द्वारा ईंधन का जलना यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि ए सी डी ये तीनों रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। नेक्स्ट है, चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक्टिन नहीं है। एक्टिन क्या है? ये एक प्रोटीन का प्रकार है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। आप लोगों ने देखा होगा स्केल में, अगर 7 होता है तो उदासीन होता है पीएच। ठीक है, अगर पीएच 7 से नीचे होता है तो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो उसमें बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लैक्रिमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है? तो आंसू होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कीट बच्चे पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? तो जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है उस मृदा में जो है कीट बच्चे पौधे पाए जाते हैं, और मृदा के नाइट्रोजन की कमी होती है मृदा में उसी को दूर करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। निम्नलिखित में से उस एंजाइम का क्या नाम है? देख लीजिए, नेक्स्ट है, उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर के उत्पादन में इसका उपयोग होता है? तो वो रेनिन होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, रेनिन एक प्रोटीन है। बढ़ते नेक्स्ट है, तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ साथ घटती जाती है, यह परिघटना किसके कारण होती है? तो वो डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए साथ साथ आप लोग करते चलना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बने। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है? तो इसमें देख लीजिए, इसमें से कोई भी नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। आवर्ती गति वह गति होती है जो मतलब एक ही निश्चित समय में एक ही जगह को बार बार दोहराए, ठीक है, अपने परिपथ को बार बार दोहराने वाली गति ही आवर्ती गति होती है। तो उसमें से देखिए क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्रतापूर्वक लटकते छड़ चुंबक को उसके एनएस दिशा में ले जाना और छोड़ देना, ये होगा इसका, ठीक है, और एक तैराक द्वारा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे में जाना और लौट आना, ये नहीं होगा। एक हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमना, ये भी होगा, ठीक है, धनुष का तीर से निकलना नहीं होगा। तो इसमें से आवर्ती गति के जो है दो स्टेटमेंट है, बी और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, यदि हवा में प्रकाश की गति को सी द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में वी द्वारा जो उसके माध्यम के अपरिवर्तनांक की गणना, निम्नलिखित सूत्र में से किसका उपयोग करके की जा सकती है? तो सी बाई बी के द्वारा, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है कौन सा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये नहीं है। ये किसका है? तो ये बल का है, ठीक है, बल मीन्स न्यूटन, न्यूटन जो है उसका बल का मात्रक होता है, तो ये उसी का है। बाकी ये तीनों जो है ऊर्जा की इकाई के समतुल्य हैं। नेक्स्ट है, तरंग गति का वह गुण जो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है, तो वो उसकी आवृत्ति है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों अर्धचालक हैं, क्वार्टर्ज नहीं है, ठीक है, ये एक ऊष्मा का कुचालक है और ये विद्युत के उपकरणों को बनाने में काफ़ी यूज होता है, ठीक है, विद्युत का कुचालक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन सी है? तो परावर्तन के कारण आते हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल और उसकी प्रकृति के अनुसार सही युग्म चुनना है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है, बिच्छू के डंक में टार्टरिक एसिड, ये गलत है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, नारंगी में एस्टिक एसिड, ये भी गलत है,
और नींबू में मेथेनोइक, ये भी गलत है। तो केवल एक सही है, ए नंबर, ठीक है। और नींबू और नारंगी, इन दोनों में साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, किस में देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। अम्ल तत्व नाशक के एक घटक के रूप में, ठीक है। लकड़ी को, लुगदी को सफ़ेद करने में, यह भी सही है। सोडा एसिड अग्निनाशक में और एक आक्सीकारक एजेंट के रूप में। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है सभी के रूप में होता है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, चिली सोरा एक अयस्क है। तो सोरा किसका अयस्क है, सोरा सोडियम का अयस्क है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है पदार्थ में एंटीपायरेटिक श्रेणी का यूज किया जाता है, तो शरीर के तापमान को कम करने के लिए। यही बिल्कुल सही है। देखिए पायरेटिक में क्या होता है कि जो बुखार हो जाता है तो शरीर तपने लगता है, शरीर गर्म हो जाता है, उसको पायरेटिक प्रक्रिया बोलते हैं। तो उसके लिए, उसी के तापमान को कम करने के लिए एंटी पायरेटिक श्रेणी के औषधियों का यूज किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है, बालकों और उसके उपयोग के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, बिल्कुल सही है। बेकेलाइट विद्युत रोधन में यूज होते हैं, बिल्कुल सही है। पॉलिएस्टर फाइबर रोप में, ये भी सही है। और मेलामाइन तो क्राकरी बनाने में, ये भी सही है। तो ये सारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय होती है। तो कार्बन 14, C14B इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो कौन सा एक उपधातु है, एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये सारे उपधातु हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है। तो चौथे से पाँचवें सप्ताह के दौरान। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो देखिए यहाँ पर गलती से वृक्ष मत लगाइएगा आप लोग, शैवाल हैं, ठीक है। क्योंकि जो पृथ्वी पर जितनी भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है उसका 90% जो है शैवालों के द्वारा ही की जाती है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी शैवाल से ही निकलती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए टीबी यानी कि क्षय रोग जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है। कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, ये भी सही है। दाद जो है फंजाई से होता है यानी कि कवक से, ये भी सही है। मलेरिया वायरस, मलेरिया वायरस से नहीं होता, ये भी प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है। तो थैलेसीमिया वायरस के कारण होती है, वायरस से नहीं होती है, ठीक है, ना ही बैक्टीरिया से होती है। वंशानुगति दोष के कारण, तो यही बिल्कुल सही है। थैलेसीमिया जो है वंशानुगति या फिर यूँ कहें अनुवांशिक रोग है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है, जब ATP में जल का उपयोग करते हुए टर्मिनल फास्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलो जूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कितने किलो जूल के बराबर होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के बराबर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक सीट पर सुखाया, दबाया या संरक्षित किया जाता है। तो यह भंडारा की प्रक्रिया को, मतलब इस भंडार के लिए कौन सा पद यूज होता है, तो उसको हर्बेरियम बोलते हैं। ये हर्बेरियम फाइल भी तैयार की जाती है। जब कभी आप लोग जैसे ग्रेजुएशन किए होंगे आप अगर जूलॉजी या फिर बॉटनी से, तो उसमें आप लोगों ने हर्बेरियम फाइल ज़रूर बनाई होगी, जिसमें प्लांट को जो है फाइल के बीच में रख के दबा करके उसको सुखाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है, जब बाह एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी मत लगा दीजिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी जो अपने बॉडी में ही बनती है उसको बोलते हैं। अगर बाहर से एंटीबॉडी देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको पैसिव एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्याज जो है पुष्ट पत्ते होते हैं, बिल्कुल सही है। केसर फूल होता है, ये भी सही है, यानी कि फूल जो प्लांट होता है उसके जो फूल होता है उसी का, ये उसी से बनता है केसर। आलू एक जड़ है, तो गलत है, आलू क्या है, तना है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर जो सुमेलित नहीं है, ये देखना है, आलू हो गया। अदरक एक प्रकंद है, तो ये सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि आलू एक जड़ नहीं है, तना है। नेक्स्ट है, 10 प्रकाशों के लिए तंगदैर्ध्य का परास कितना होता है। तो 380 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, माइकल फराडे ने इसे खोज की थी, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन की जेजे थॉम्सन, ये भी सही है। जड़त्व गैलीलियो गैलीली ने, ये भी सही है। और उत्प्लवन आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये भी सही है। तो सारे सही हैं, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है? तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज होता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी जो है लिप्रोस्कोपी किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसी के कारण जो है हीरे जगमगाते भी हैं, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी घटनाओं के भेदन शक्ति सबसे कम होती है? तो किसकी? अल्फा किरणों की सबसे कम होती है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया जाता है? तो सैनिटाइजर में पूछा गया है कौन से विलयन का घोल होता है, तो उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? तो तांबे का अयस्क पूछा गया कौन सा नहीं है, तो एलुमेल। तांबे का अयस्क कौन सा नहीं है? एलुमेल नहीं है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी सब में तांबा होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाली दवाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हिस्टामाइन के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलिटेम एक उदाहरण है किसका? तो ये कृत्रिम मधुरक का है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है शुगर से 2000 गुना ज़्यादा मीठी होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है? तो साबुन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, अर्बोरी कल्चर किसको संदर्भित करता है? तो ये वृक्षों और झाड़ियों के संवर्धन को, राइट आंसर का सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है, तो ये किससे प्राप्त होती है? तो ये अभी हमने इसको ऊपर आप लोगों को बताया था, सिंकोना के वृक्ष की छाल से होता है ये, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि दी गई है, तो किसको दी गई है? गेगर जॉन मेंडल जी को दी गई है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में कितना जल होता है? तो 60 से 70% होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है? तो वो यह H1N1 के कारण होता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन से हैं? तो थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोडीन होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो है फूल आती है। नेक्स्ट है, एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम कहा जाता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की गति अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो देखिए, जब तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति बढ़ती है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में, राइट आंसर डी होगा। अगर नमी बढ़ाएंगे तब भी गति बढ़ेगी, और अगर तापमान बढ़ाएंगे तो तब भी गति बढ़ती है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तापमान में परिवर्तन के कारण किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा तो को क्या कहा जाता है? तो उसको विशिष्ट ऊष्मा, सॉरी उसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C-43 से सैटेलाइट जो है हाइसिस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो हाइसिस का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हाइसिस के संबंध में? तो यह एक, इसका राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा। यह एक दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्र में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नासा ने मंगल पर
रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। तो यह मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य जो है मंगल की स्थलाकृति का अध्ययन, ये नहीं है, मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना है। ये राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो उसको बहुलक कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग 3000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि 30000 वर्ष में सिर्फ 14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसकी माप कर उसको जो है मापा नहीं जा सकता। यह इसका सही कारण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में से कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटना का कारण बनता है? तो कौन सा बनता है उसमें? मेथिल एल्कोहल बनता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी अधातु होती है? तो ब्रोमीन होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट एक पदार्थ एलोकोक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है तो कौन सा है? तो यूरेनियम ऑक्साइड होता है। यूरेनियम को ही एलोकोक बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएँ होती हैं तो कौन सी होती हैं? वो क्रोमेटोफोर होती हैं। ठीक है राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है तो ये किस अंग द्वारा निर्मित होती है? तो एल्ब्यूमिन जो है लीवर से निर्मित होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो उसको स्प्लीन बोलते हैं यानी कि प्लीहा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंग शामिल है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम है। ठीक है यह अभी पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं और माइटोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है श्वसन प्रणाली में कौन सा भाग गैसीय विनिमय करता है? तो एल्विओली करते हैं। एल्विओली जो है ये जो फेफड़ा होता है उसमें जो आगे जो होते हैं उनके छोटे छोटे पोर की तरह वो ही एल्विओली होते हैं फेफड़े में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में जाना जाता है या फिर के रूप में कार्य करता है? तो नासिका करती है। ठीक है नासिका। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बनाती है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का उदाहरण है? तो फेरोमैग्नेटिक के उदाहरण निकिल है। ठीक है निकिल लोहा वगैरह ये फेरोमैग्नेटिक के हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण है तो कौन सी तकनीकी है जो एकदम सटीक है? तो कौन सी तकनीकी है? भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है इसका उपयोग क्या होता है? तो एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लग रहा है तो उसको ससंजन बल कहते हैं। जैसे कि अगर जल के अणु हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा? ससंजन बल। और अगर दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच अगर बल को पूछे तो असंजन बल हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर आपको गिलास में अगर आप वाटर भरते हैं, ठीक है, अगर जल भरते हैं तो गिलास ये जो स्टील का गिलास है उसके स्टील या फिर कांच का उसके मध्य और जो ये जल के अणु हैं उनके मध्य कौन सा बल लगेगा? तो असंजन बल लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है एक व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति से कम आधी होनी चाहिए। किसी भी वस्तु की अगर पूर्ण आकृति देखनी है तो उसके कम से कम आधी ऊंचाई का जो है दर्पण जरूर होना चाहिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट वाटर गैस का घटक क्या है? तो मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन।
राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन्हें एक रासायनिक तत्व से भिन्न संरचनात्मक रूप द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों के रूप में अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो इनको जो है अरूप बोलते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? तो आपबाऊ का सिद्धांत है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में या फिर इंटर में भी है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति के बढ़ने के क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? तो कौन सा सही है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हेबर विधि में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया बनाने की हेबर विधि, अगर कभी हेबर विधि भी पूछता है तो हेबर विधि का यूज अमोनिया बनाने में होता है, ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और इसके लिए कौन सा यूज होता है? तो आयरन और मॉलिब्डेनम, ये दो तत्वों का यूज होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने साइंस के पूरे 150 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर के।